चाहिए इस तरीके से। पुरानी जीन्स में से देखिए छोटे छोटे पीसेज मैंने स्क्वायर पीसेज कट किए हैं, ये 3x3 इंचज़ के पीसेज हैं। कुछ पीसेज मैंने एक कलर की जीन्स में से कट किए हैं, कुछ मैंने वाइट कलर की फॉर्मल, जो क्रीम कलर की फॉर्मल पैंट होती है, कुछ ये दूसरे कलर की जीन है। तो जो भी जिस कलर के भी हों आपके पास, छोटे छोटे इस तरीके से जीन्स में से टुकड़े आप कटिंग कर लीजिए। पहले देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग की है। और हमें क्या चाहिए, ये मेरे पास पुरानी चादर थी, तो उसमें से जितना बड़ा आपने फ्लोर मैट बनाना है उतना बड़ा मैंने ये देखिए रेक्टेंगल पीस कट कर लिया। तो हमें यही चीज़ें चाहिए, ये चाहिए और इस तरीके से छोटे पीसेस चाहिए। ये मैंने पुरानी चादर में से लिया है। आपके पास कोई भी पुरानी चादर हो, बोरी यूज़ करना चाहते हैं बोरी भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई फॉर्मल पैंट के टुकड़े हैं उसको जोड़ के भी आप बेस बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ हम एक कॉर्नर से शुरू करेंगे। कोई भी एक कलर का पीस ले लीजिए आप, ये पीस यहाँ पे रखा, उसके बाद मैं कोई दूसरा कलर ले लेती हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया, एक पीस इस कलर का रख दिया, फिर एक मैंने ये ले लिया, फिर मैंने एक वाइट ले लिया, फिर एक मैंने ये डार्क कलर ले लिया। तो इस तरीके से मैंने ये 5 पीसेस ले लिए। अब आपको क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे, जो एक्स्ट्रा होगा साइड से हम काट देंगे। पहले से पिनअप कर लीजिए हर एक पीस को, 2, 3, 4 और 5 पीसेस जोड़ूंगी मैं इसमें, काफी चौड़ा बनेगा ये। ये मैंने 5 पीसेस रख लिए। अब इसे यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए, और यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए। तो आपको 2 सिलाइयां लगानी है, एक सिलाई यहां और एक सिलाई यहां। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली, एक सिलाई इस तरफ और एक इस तरफ। अब पिंस को निकाल दीजिए। तो मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5 पीसेस ज्वाइन कर लिए। अब हम इसे आगे बनाते हैं, अब हम दूसरी लाइन बनाते हैं। इसमें सेम ऐसे ही एक पीस रखा, दूसरा मैं डार्क कलर का ले लेती हूँ, तीसरा कोई लाइट कलर का, फिर उसके बाद फोर्थ इस तरीके से। तो ये मैंने ले लिए 1, 2, 3, 4, 5 मैंने सेम ले लिए। अब सेम जैसे पहले हमने ये ज्वाइन किए हैं, ऐसे हम इसे भी पिन करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 तो मैंने ये पिन कर लिया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जैसे ये 2 सिलाई लगाई हैं वैसे ही एक सिलाई यहाँ पे और एक सिलाई यहाँ पे, ताकि ये वाले पीसेस भी बेस के साथ ज्वाइन हो जाए। तो एक सिलाई यहाँ और एक सिलाई यहाँ, मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट की, सेकंड रो भी में मैंने सिलाई लगा ली। बस आपको इसी तरीके से यहाँ 3rd, 4th, 5th, 6th जितने भी आपकी रोज बनती हैं यहाँ पे सारे इस तरीके से पहले ये टुकड़े इसके ऊपर लगा लीजिए। तो उसके बाद हम इसे फिनिश करेंगे। ये देखिए मैंने सारे टुकड़े इस तरीके से सिलाई से इसके साथ जोड़ लिए, रफ से एक तरीके में मैंने जोड़ लिए। तो चलिए अब हम इसे आगे फिनिश करते हैं। अब आपको क्या कीजिए, इस तरीके हम इसके ऊपर यहाँ पे इसको फिनिश करने के लिए लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रिप यहाँ लगेंगी, 1, 2, 3, 4 स्ट्रिप्स यहाँ लगेंगी। तो ये लगानी कैसे हैं, जैसे मैंने एक स्ट्रिप ली इन दोनों ब्लॉक के बीच में, यहाँ से इसे फोल्ड कीजिए, इसके ऊपर रखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, एक तरफ से, एक कॉर्नर से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा ली फोल्ड करके। अब इसे दूसरी तरफ से फोल्ड कीजिए इस तरीके से, तो ये पट्टी सी बन जाएगी, और इस पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलाई लगा लीजिए फोल्ड करते हुए।
जितनी भी चौड़ी आप रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ये देखिए मैंने फोल्ड कर ली, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरह की पट्टी यहाँ 2, 3, 4, 5 पांचों में इसी तरीके से जैसे मैंने एक लगाई है 2, 3, 4, 5 फाइव की फाइव लगा लीजिए। ये देखिए मैंने सारे स्ट्रिप्स सिलाई मशीन से इसके ऊपर स्टिच कर लिए इस तरीके से। तो ये मेरा यहाँ से फिनिश हो गया। अब जैसे मैंने स्ट्रिप्स ये लगाई है ऐसे ही लंबाई में भी लगानी है 1, 2, 3 और 4 फोर स्ट्रिप्स लगेंगी यहाँ पे। तो ये मैंने स्ट्रिप काट रखी है, सेम उसी तरीके से लगानी है जैसे हमने ये लगाई है। इसे एक तरफ से फोल्ड कीजिए ऐसे जैसे हमने पहले ये वाली लगाई थी, और इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई। उसके बाद इसे दूसरी तरफ से फोल्ड कीजिए ऐसे, और दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लीजिए। तो पहले इसे हम एक सिलाई लगा लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए मैंने एक सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ से फोल्ड कीजिए यहाँ पे इस तरीके से, और इस पर दूसरी सिलाई भी लगा लीजिए। ये मैंने फोल्ड किया, अब इस पर यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। तो ये हमारे बॉक्स बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। तो 1, 2 और 3 तीन स्ट्रिप लगा लीजिए, तो ये हमारा 20 से सारा फिनिश हो जाएगा। फिर हम इसे साइडों से फिनिश करेंगे। सारे स्ट्रिप्स जोड़ ली, अब मैं इसे साइडों से फिनिश करती हूँ। साइडों के लिए भी सेम मैंने इसी तरीके से स्ट्रिप कटिंग की है। इसे उल्टी तरफ रखिए इस तरीके से, इसके ऊपर ये रखिए ऐसे, ये स्ट्रिप रखी, ये रखा, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। चारों कॉर्नर्स पे हम इसके इसी तरीके से स्ट्रिप लगाएंगे, चारों कॉर्नर ऐसे ही फिनिश करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। नीचे मैंने स्ट्रिप रखी हुई है, ये मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से यहाँ तक। अब इसे इस तरफ को फोल्ड कीजिए इस तरीके से, और इस पर पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। तो ये मेरा साइडों से भी फिनिश हो जाएगा। किया, इस तरफ को फोल्ड किया, इसे फोल्ड करते हुए पूरा इसमें सिलाई लगा लीजिए। तो ऐसी पट्टी इस तरफ भी और इस तरफ भी, चारों तरफ जोड़ लीजिए। तो ये हमारा फ्लोर मैट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये मैंने चारों तरफ से इसमें पट्टी लगा दी, तो ये मेरा मैट बिल्कुल रेडी हो गया। ये काफ़ी मजबूत बनता है, और आप इसे मशीन वॉश भी कर सकते हैं इजली, पिछली तरफ से है, ये फ्रंट साइड से है, तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।